द्विवेदी, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं बेसिक हाइड्रोलिक सिस्टम क्लोज्ड सिस्टम के बारे में बात करूंगा, बेसिक क्लोज्ड सेंटर हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में। तो देखते हैं इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो ये रिजर्वायर पंप और फिर रिलीफ वाल्व, एक्चुएटिंग यूनिट, सिलेक्टर वाल्व और ये रिटर्न लाइन के थ्रू फिर से रिजर्वायर में। तो देखते हैं कैसे ये वर्क करता है। तो रिजर्वायर से फ्लूइड हमारा पंप में जाता है, जैसा कि यहाँ पे बताया भी गया है कि सक्शन लाइन के लिए कौन सा कलर है, प्रेशर लाइन, रिटर्न और स्टेटिक, ठीक है। तो फ्लूइड कौन से कंडीशन में है उसके लिए वो इंडिकेशन है। तो रिजर्वायर में हमारा फ्लूइड रहता है, फिर रिजर्वायर से फ्लूइड हमारा पंप में जाता है क्योंकि यहाँ पे सक्शन क्रिएट होता है और कुछ ग्रेविटी के कारण भी। तो यहाँ से जो फ्लूइड है वो पंप में जाएगा। अब पंप क्या करेगा, फ्लूइड को प्रेशराइज करेगा। जब पंप फ्लूइड को प्रेशराइज करेगा तो यहाँ से प्रेशराइज फ्लूइड यहाँ से फ्लो करेगा। अब प्रेशराइज फ्लूइड हर जगह जाएगा, यहाँ पर रिलीफ वाल्व में भी, एक्चुएटिंग यूनिट में भी, यहाँ पे हर जगह। अब यहाँ पे देखिए, मैं एक तरफ से आपको बता रहा हूँ, जैसे कि सिलेक्टर वाले यहाँ पे क्लोज्ड पोजीशन में लगा है। क्लोज्ड पोजीशन मतलब यहाँ पे इसका सेंटर ओपन है, मतलब कोई भी यूनिट को कनेक्ट नहीं किया गया है, तो यहाँ से सीधा फ्लूइड निकल जा रहा है, ठीक है। अब जैसे ये पैरेलल में वर्क करता है, जो ओपन सेंटर है वो सीरीज में वर्क करता है, मतलब कि एक बार में एक ही यूनिट ऑपरेट होती है। ये पैरेलल में वर्क करता है, मतलब कि इसमें एक साथ मैं कई यूनिट को ऑपरेट कर सकता हूं। तो अब देखते हैं, अब जब यहां पे फ्लूइड गया और जैसे यहाँ पे सेलेक्ट नहीं था, यहाँ पे मैंने इस सिलेक्टर वाल्व से सेलेक्ट किया, लाइन सेलेक्ट किया कि फ्लूइड किधर से भेजना है। तो प्रेशराइज्ड फ्लूइड को मैंने जब इधर से सेलेक्ट किया, मतलब जो आप ये चीज देख रहे हैं, ये वाली चीज ये मैंने ऐसे कनेक्ट की और ये वाली चीज ऐसे कनेक्ट हो गई इस वाले डायग्राम में, ठीक है। तो अब ये जब यहाँ पे कनेक्ट हो गया तो फ्लूइड यहाँ से, इसको रास्ता मिल गया तो फ्लूइड यहाँ से जाने लगा। अब जब फ्लूइड यहाँ से जाने लगा तो पिस्टन ऊपर की ओर धकेगा। जब पिस्टन ऊपर की ओर धकेगा तो जो यहाँ पे फ्लूइड था वो फ्लूइड अब यहाँ रिटर्न लाइन के थ्रू, क्योंकि जैसे ही मैं एक यूनिट एक सिलेक्टर वाल्व की पोजीशन देता हूँ तो रिटर्न लाइन अपने आप कनेक्ट हो जाती है, इस तरह डिजाइन किया रहता है। तो क्या होता है, जब फ्लूइड यहाँ पे आता है तो जो यहाँ का भरा हुआ फ्लूइड रहता है वो निकल के रिटर्न लाइन के थ्रू हमारा फिर से रिजर्वायर में रिटर्न लाइन के थ्रू आ जाता है। अब क्या होता है, इस रिलीफ वाल्व का काम क्या होता है, जैसे कभी प्रेशर राइज किया, यूनिट मेरी पूरी ऑपरेट हो गई, यहां तक यूनिट ऑपरेट हो गई, मतलब कि एक्चुएटिंग यूनिट जो है वो यहाँ पे पहुंच गई। उसके बाद फ्लूइड को अब यहाँ जाने का रास्ता नहीं रहेगा। तो जब फ्लूइड को यहाँ जाने का रास्ता नहीं रहेगा तो यहाँ पे प्रेशर बिल्डअप होगा। अब जब प्रेशर बिल्डअप होगा तो अब हर जगह लाइन यहाँ पे क्लोज्ड है, तो उसकी वजह से क्या होगा, फ्लूइड यहाँ आएगा। पहले भी आ रहा था, लेकिन पहले क्या था, यहाँ पे यूनिट ऑपरेट हो रही थी, इसकी वजह से इसका टेंशन से इसका फ्लूइड का टेंशन ज्यादा नहीं था। अब जो स्प्रिंग लगी है यहाँ पे, उस स्प्रिंग में यहाँ पे बॉल लगी है, तो बॉल में क्या होगा, अब फ्लूइड यहाँ पे जाएगा। अब बॉल की ताकत से, जब मतलब कि स्प्रिंग के टेंशन की ताकत से ज्यादा जब इस फ्लूइड का ताकत हो जाएगा तो स्प्रिंग पीछे धकना स्टार्ट कर देगी। जब स्प्रिंग पीछे जाना स्टार्ट कर देगी तो इधर लाइन क्लियर होती जाएगी, जैसे जो हमारी स्प्रिंग है वो यहाँ पहुंचेगी वैसे फ्लूइड को यहाँ से रास्ता मिल जाएगा और रिटर्न लाइन के थ्रू हमारा फ्लूइड फिर से रिजर्वायर में आ जाएगा। तो हमारा इससे लाइन के फटने के डर, पंप में ओवरलोड, ये सबसे बचाता है हमारा रिलीफ वाल्व। ये पैरेलल में कनेक्ट होता है। जो आज के डेट में हम यूज करते हैं वो ये क्लोज्ड सेंटर टाइप यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि ये फ्लूइड को प्रेशराइज्ड कंडीशन में रखता है। मतलब देखिए, अब यहाँ पे फ्लूइड प्रेशराइज्ड कंडीशन में, यहाँ पे आपको बताया गया था ना प्रेशर, देखिए यहाँ पे फ्लूइड प्रेशराइज्ड कंडीशन में, जैसे मैं यूनिट को ऑपरेट करूंगा तुरंत ये एक्चुएटिंग यूनिट ऊपर नीचे होने लगेगी। तो ये क्या था, ये क्लोज्ड सेंटर का एडवांटेज है जो कि ओपन सेंटर का ये डिसएडवांटेज है। इसमें यूनिट को तुरंत ऑपरेट करने के लिए, तो जो आज हम मतलब हाइड्रोलिक सिस्टम एविएशन में, एयरक्राफ्ट में यूज करते हैं, वो यूज करते हैं क्लोज्ड सेंटर हाइड्रोलिक सिस्टम। ये पैरेलल में कनेक्ट होता है, मतलब कि इसका पैरेलल में कनेक्ट होने का मतलब कि एक साथ में कई यूनिट ऑपरेट कर सकता हूं। देखिए यहाँ पे सिलेक्टर सी जो है ऑपरेटिंग पोजिशन में, सिलेक्टर बी भी ऑपरेटिंग पोजिशन में और सिलेक्टर ए को क्लोज कंडीशन में रखा गया है। अब जैसे आप यूनिट को ऑपरेट करेंगे तो इधर से फ्लूइड जाएगा, तो आपको जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरा मानना है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।